शुरुआत करना चाहता हूं एक ऐसी चिट्ठी की जिसने कम से कम फिलहाल राजनीतिक हलकों में और खास तौर से कांग्रेस पार्टी में थोड़ी हलचल जरूर मचा दी है। जाते जाते अपने औपचारिक इस्तीफे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जितना उनके पास एम्यूनेशन था एक फौजी होने के नाते वो सारा इस्तेमाल किया है कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर। सोनिया गांधी के नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो चिट्ठी है, 7 पन्नों की इस्तीफे में कैप्टन ने सिद्धू को राहुल और प्रियंका का संरक्षण पाने वाला व्यक्ति बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि किस तरीके से एक धोखेबाज को नजरअंदाज किया गया। कैप्टन ने हरीश रावत पर भी निशाना साधा और कहा उनका व्यक्तित्व दोहरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ आधी रात को साजिश रची गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा और सीधा सीधा आपके और आपके बच्चों के कहने पर साजिश रची गई। सोनिया गांधी को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार कुल मिला के बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की हाई कमांड पर। रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं रंजीता पे जाने से पहले कुछ जो अंश हैं इस पूरी चिट्ठी के वो पढ़ना चाहता हूं। इसके अगर आप पेज 4 पर आएंगे, आपको चिट्ठी दिखाते भी हैं, यहां पर दिखाएंगे आपको ये चिट्ठी बड़ी स्क्रीन पर, क्योंकि 7 पेज की बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसकी हाइलाइट्स आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये मेरे हाथ में वही चिट्ठी है और इसमें हमने कुछ चीज़ें मार्क करी हैं। बहुत सिद्धू के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है उसको पाकिस्तान का डीप स्टेट का एक नुमाइंदे के तौर पे प्रस्तुत किया। डीप स्टेट यानी कि ISI पाकिस्तान की जो फौज है, उसने कहा कि उसने पाकिस्तान में एक बार फिर वो बात दोहराई कि जनरल बाजवा को गले लगाया, इमरान खान और इमरान खान के वो मित्र हैं, ऐसे व्यक्ति को कैसे पंजाब की आपने डोर सौंप दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बाजवा वही लोग हैं जो रोज टेररिस्ट भेजते हैं और भारतीयों को मारते हैं। 82 पंजाबी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर में जब से मेरी गवर्नमेंट आई है। 2017 से वो बात बता रहे थे 2017 से। सिद्धू का सिर्फ यही, उन्होंने कहा कि सिद्धू की जो पूरी शख्सियत है, जो सिद्धू की जो पूरी पॉपुलैरिटी है, वो सिर्फ मुझे गाली देने की है और हमारी सरकार को गाली देने की थी। मैं इतना मेरी उम्र उसके पिता के जैसी है और उसके बाद भी किसी ने उसे इस तरीके की भद्दे शब्द और गालियों को मेरे खिलाफ जो वो दे रहे थे रोका नहीं। यह अंग्रेजी में चिट्ठी है, मैं इसका थोड़ा हिंदी में आपको करके बता रहा हूं कि क्या किस तरीके से बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धू को राहुल और प्रियंका गांधी ने पेटनाइज करा, यानी कि उनको सिद्धू को पूरा संरक्षण दिया और कहा कि आपने जो इनकी नौटंकी थी, शिनानिगंज जो ड्रामा था, उसके प्रति अपनी आंखें बंद रखी। और फिर उसके बाद हरीश रावत पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये एक डूबियस इंडिविजुअल है, यानी कि इस व्यक्ति का चरित्र पर उन्होंने अर्थ हुए कि एक जिस व्यक्ति के ऊपर आपको थोड़ा जो अंदेशा रहता है, जिस व्यक्ति पे वो इस तरह का व्यक्ति है और उसको मैंने जो मेरे पूरे जीवन में जो देखा दोहरे चरित्र वाला ये व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा। इन्होंने कहा कि मैंने सिद्धू को ये भी कहा कि ये एक अनस्टेबल पर्सन है और इस डिसीजन का आपको अब नहीं तो कुछ समय बाद खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ रात में, यानी कि मिडनाइट में 12 बजे के बाद रात में मेरे खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई आपके और आपके बच्चों के कहने पर, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर। तो ये कुल मिलाकर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे आपकी इंटेंशंस का पता होता आप मुझे बता देती, मैं एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोल्जर हूं, मैं अपना इस्तीफा खुद ही दे देता, लेकिन जिस तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट करा गया, मुझे छोटा दिखाया गया और मेरे साथ बदसलूकी करी गई, उसके वजह से मैं AICC को छोड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं एक मुंह में कड़वे स्वाद के साथ। बहुत सारी बातें कही हैं रंजीता इन्होंने, नार्को टेररिज्म के बारे में बात कही, अपने बारे में बात कही। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 76 में से 77 MLA हैं जो मेरे खिलाफ हैं, 43 आपने माना कि 43 मेरे अगेंस्ट में हैं। मैं आपके आपकी गलती नहीं मानता क्योंकि लोगों ने आपको इस तरीके से बातें बताई हैं। तो ये मान के चला जाए कि जाते जाते कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जितना वो डैमेज कर सकते हैं कम से कम अब जाने से पहले कैप्टन ने इस पूरी चिट्ठी में वो घोल बनाकर कांग्रेस की तरफ छोड़ दिया है।
देखिए निश्चित तौर पर अंकित, चार जो सात पन्नों का ये पत्र है उसमें जो मुख्य बातें थी वो आपने हमारे दर्शकों को बताई, लेकिन मैं एक चीज इस पर बताना चाहूंगी कि आखिर आज का ही दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्यों चुना। दो चीजें इसमें निकल कर आती है अंकित। आज धनतेरस है, आज धनतेरस के दिन कहा जाता है आप अपने घर के लिए एसेट लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक सबसे बड़ा एसेट आज के दिन खो दिया, जो 2017 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले इकलौते नेता थे, आज कांग्रेस ने खो दिया, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है, गुड बाय कर दिया है, और ये भी कहा है कि किस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस के साथ, राजीव गांधी के साथ अपने रिश्ते, अपने पांच दशक के रिश्तों का जिक्र उन्होंने इसमें किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों ने जिस तरह से अपमानित किया उसकी उम्मीद उनको नहीं थी, और अपनी नई पार्टी का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उनकी नई पार्टी जो है उसका जो नाम है वो उन्होंने बताया है, और साथ ही जिस तरह का विगल उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आज जो बजाने का काम किया है उसमें कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेगी अंकित, क्योंकि चुनाव नजदीक है, और जिस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर कैप्टन ने लगाए हैं उन तमाम चीजों को कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में भी इस्तेमाल करेंगे कैप्टन, और जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस के जो उस समय के प्रभारी महासचिव थे हरीश रावत पर उन्होंने टारगेट किया, रणदीप सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है, और रणदीप सुरजेवाला के बारे में कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, और इसके साथ ही जो उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको जिस तरह से वो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टेररिज्म का खतरा है, और सिद्धू के संबंध किस तरह से पाकिस्तान में रहे हैं। सिद्धू पर तो बकायदा समझ लीजिए दो पन्ने समर्पित करे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पर जैसे आप बता रही थी, एक हमारे साथ शेखर अय्यर साहब भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। ये बात भी उन्होंने जो आप बता रही थी कि मुझे इस बात से बहुत गहरा दुख पहुंचा है कि आपने और आपके स्पेशली आपके बच्चों ने, जिनको मैं अपने बच्चों की तरह अभी भी उनको चाहता हूं, उनको सोचता हूं, उनको देखता हूं, क्योंकि उनके पिता को मैं स्कूल से जानता था, 67 साल से मेरी आपसे जान पहचान है, उसके बाद भी इस तरीके का मेरे साथ व्यवहार किया गया। शेखर साहब, ये तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से अगर इस तरीके से निकाला जाएगा तो वो गुस्से में जरूर होगा और इस तरीके की चिट्ठी जरूर लिखेगा, लेकिन नुकसान अभी भी कांग्रेस पार्टी को कितना होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहे उनकी पार्टी का कुछ भी हासिल हो लेकिन एक माहौल जरूर कांग्रेस के खिलाफ बनाने में सफल रहेंगे, सिद्धू अपने अलग ढपली बजा रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आके सीधा हमला बोलेंगे। बिल्कुल अंकित जी, अगर आप टाइमिंग की देखेंगे आज के समय पर, जब छन्नी और सिद्धू के बीच में जो घमासान लड़ाई चल रहा है, एकदम खुलेआम चल रहा है, ऐसे समय में अमरिंदर का मिसाइल जो है ये केवल कांग्रेस पार्टी पर नहीं है लेकिन कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गांधी पर भी है, क्योंकि देखिए अभी तक उन्होंने कभी सोनिया गांधी को इतना डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन इस चिट्ठी में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि सोनिया गांधी जी ने कुछ नहीं किया, राहुल को नहीं रोका, प्रियंका को नहीं रोका, जिस तरह पार्टी के फैसले लिए गए, जिस तरह सिद्धू को थोपा गया पार्टी के ऊपर, और सारे जो घटनाक्रम रही है पिछले दो महीने के उसका उन्होंने तो बीच बीच में अपने इंटरव्यू में कहते आए, लेकिन आज उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आप ऐसे व्यक्ति को आपने कांग्रेस पंजाब की कमांड दे दिए जो एकदम एक लाइट पर्सन है, जो कोई सीरियस नहीं है, और उसके साथ साथ उनकी पाकिस्तानी कनेक्शन के भी यहाँ जिक्र करना कांग्रेस, मुझे लगता है ये बहुत बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और ये जैसे मैं कह रहा हूं, देखिए अगर चन्नी और सिद्धू के बीच में एक तालमेल हो जाता है, एक प्रकार से सरकार वहां सेटल होती, लेकिन आज के तारीख में आप देख रहे हैं कि सिद्धू का लड़ाई अब चन्नी के साथ उतना ही है जितना अमरिंदर सिंह के साथ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसका मतलब है कांग्रेस एक डिवाइडेड हो चुकी है और पता नहीं आगे महीने में और क्या क्या होगा। बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह औपचारिक तौर पर अब कांग्रेस पार्टी से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को, और इस एक बिल्कुल विस्फोटक चिट्ठी में जितने उन्होंने आरोप लगाए हैं इसका असर, कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर, कितनी डिग्री, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा भी नहीं है कैप्टन के जाने के बाद उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम हो गई हैं, अभी भी कांग्रेस के अंदर एक दूसरे का जो सर फुटव्वल वाला माहौल है वो बिल्कुल जारी है। शेखर साहब बने रहिए हमारे साथ, मैं और पूरे देश में आज क्योंकि बहुत सारे उपचुनाव थे उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस खबर को देते हैं विराम। कांग्रेस का जिस तरीके से हालात हैं पंजाब में, एक पार्टी जिसे कहा जा रहा था कि उसकी फिलहाल टक्कर में कोई नहीं खड़ा, उसने इतना जरूर सुनिश्चित कर लिया है
कि वो आपस में ही टकरा कर औरों को अपने से आगे निकलने का मौका खुद प्रदान कर रहे हैं। चलिए आज अब बात करते हैं देशभर की 3 लोकसभा सीट और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम की, जो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं और एक बड़ी पिक्चर जो है, एक लार्जर पिक्चर जो है, अब वो स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही है। अब तक कई राज्यों में चुनाव के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी काउंटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत 14 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए। इन सभी चुनावों में क्या क्या हुआ और इसके क्या मायने रखते हैं वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बाकी विपक्षी दल हो, और ओवरऑल इसका क्या मायने हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले जो चुनाव के परिणाम हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। आपको पहले परिणाम दिखाते हैं कि सबसे कि कहां पर अभी तक क्या परिणाम है, अभी तक पूरा क्या हेडर है, कहां कहां पर जीते हैं, कहां कहां पर हार हुई है। ये देखिए उपचुनाव के ये नतीजे जो हैं वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की भारी जीत हुई है, चारों की चारों सीटों पर टीएमसी ने एक बड़े मार्जिन से बीजेपी को शिकस्त दी है। 75% का वोट शेयर टीएमसी का और बीजेपी का वोट शेयर 14% रहा। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें बढ़त और जीत के हिसाब से लगता ऐसा है कि बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट उनकी तरफ जाती दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो बहुत ही कड़ा मुकाबला, क्लोज फाइट रही है। 47.22% कांग्रेस को, बीजेपी को वोट मिला है और 45.7% कांग्रेस को भी वोट मिले हैं। बिहार की अगर बात करें, यहां पर कांग्रेस ने लड़ झगड़ के आरजेडी से सीट मांगी थी, गठबंधन टूटने की हालत आ गई। शायद कांग्रेस को यहां पर मुंह की जरूर एक बार खानी पड़ी है क्योंकि उनका कहीं अता पता भी नहीं है। पर दोनों सीटों पर अगर आप बात करें, कुछ स्थान में जेडीयू जीत चुकी है और तारापुर में जेडीयू इस वक्त काफी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर जेडीयू को 45.9% वोट मिले हैं अभी तक और 40.2% वोट मिले हैं आरजेडी को। हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर अभय चौटाला ने एलनाबाद सीट पर किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था, उनको एक बार फिर जीत जिताकर वापस भेज दिया है। बीजेपी यहां पर हारी है। और इसी तरीके से अगर असम की हम बात करें तो असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी इनफैक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट में अपनी जो बढ़त है उसे बनाने में कामयाब रही है। मैं जल्दी से आपको कुछ जो हमारी समझ से इस चुनाव की जो बड़ी पिक्चर है उसके कुछ मायने जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हमारे मेहमानों पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से ओवरऑल पिक्चर को आप देखें, निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, क्योंकि अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो सिर्फ असम में उनकी, असम में ताकत बड़ी है और नॉर्थ ईस्ट में उनकी ताकत बड़ी है। उसके अलावा अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में जहां पर उनकी सरकार है जबरदस्त शर्मनाक हार हुई है। आप लोकसभा सीट भी हारे और 3 जो विधानसभा सीट हैं आप वहां पे भी हारे। मध्य प्रदेश में जैसा हमने दिखाया जीत जरूर हुई है पर टक्कर बहुत क्लोज रही है, वहां पर सरकार शिवराज सिंह चौहान की है। 1 सीट पर कांग्रेस भी जीती है। राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में और कर्नाटक में भी निराशा हाथ लगी है। कर्नाटका में तो जो SR बंबई है उन्हीं के इलाके में सीट हार गई है कांग्रेस से बीजेपी। साथ ही साथ लोकसभा की 3 में से सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। मंडी सीट वो हार गए हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा सीट पर उनकी जीत हुई है और साथ ही साथ दमन एंड दीव में शिवसेना ने एक बड़ा सरप्राइज था, उसके बारे में बात करूंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पतन जारी है, इसके मायने जो है और पीछे नीचे गिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 3 सीटों पर जमानत नहीं अपनी बचा पाई, लेकिन पार्टी के लिए संतोष की बात यह भी होगी कि तेलंगाना में वो 1 सीट जीते और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर पहुंच गए हैं, और यही आंध्र प्रदेश में भी रहा है। उनकी पोजिशन स्ट्रांग हुई है, कांग्रेस को उन्होंने और पीछे धकेल के कम से कम अपने आप को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खड़ा कर लिया। अब कांग्रेस के लिए क्या इसके मायने रखते हैं, हिमाचल प्रदेश में उनकी उम्मीद बढ़ी है। अब 1 साल बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी अगर काम करे तो शायद हिमाचल प्रदेश में सत्ता को जो परिवर्तन है वो हो सकता है। बिहार में गठबंधन तोड़ना कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल के तौर पर उभरा। बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का पतन बुरी तरीके से जारी है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मजबूत चुनौती कम से कम वो सामने रख पाए, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी से भी पिछड़ गई है कांग्रेस पार्टी, ये सोचना उनको पड़ेगा।
और बाकी ओवरऑल माइंड अगर आप इसके देखें जो बाकी जो विपक्षी दल है उनके लिए भी ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसको अब 4 सीटें जीतने के बाद ममता बनर्जी वैसे भी बंगाल से बाहर देख रही हैं और मजबूती से अपने विस्तार अभियान में लगेंगी। उसके साथ ही साथ शिवसेना के लिए बहुत बड़ी बात है, शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र के बाहर एक लोकसभा सीट जीती है और वहां पर उन्होंने अपना खाता खोला। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी और मजबूत होगा क्योंकि कांग्रेस वहां पर जो एक सीट थी उस पर जीती है और विपक्षी दलों को कम से कम बीजेपी से लड़ने का, उसके खिलाफ जीतने का हौसला जरूर मिलेगा। सबा नकवी हमारे साथ जुड़ रही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शेखर अय्यर हमारे साथ हैं। सबा जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, हमने थोड़ा बहुत अपना जो हमारा एनालिसिस था हमने उसको सामने रखा, आपके लिए बिगर पिक्चर क्या है इस पूरे जो नतीजे अभी निकले हैं? सबसे पहले तो आपका एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट था, इसमें बीजेपी के लिए बहुत ही परेशानी के उलझान है क्योंकि बंगाल से भाजपा ने 2019 के चुनाव में 18 सीट जीती थी। तो अब हम असेंबली को भी छोड़ें क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि असेंबली में भाजपा इतना अच्छा नहीं करती है जितना लोकसभा में करती है, लेकिन बंगाल में तो पूरा सफाया हो गया है। शायद ये आप कंफर्म करिए, लेकिन टीएमसी के लीडर कह रहे हैं कि 3 सीट में भाजपा ने अपनी डिपॉजिट खो दी है, तो वो बंगाल की ग्रोथ स्टोरी तो खत्म हो गई है। अब आप बीजेपी को लोकसभा में हम अगर देखें तो ज्यादातर डोमिनेशन हिंदी बेल्ट पे होता है, इस प्रेशर बन रहा है। हाँ, तेलंगाना में बीजेपी की बढ़त है, फ्यूचर पोटेंशियल, ये बहुत मजबूत पार्टी रही है, इसका एक्सपेंशन मॉडल में रही है भाजपा, उसका है पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोकसभा की तरफ अगर आंख रखें। और फिर अपना खुद बीजेपी रूल्ड हिमाचल प्रदेश, वहां से बीजेपी बुरी तरह हार रही है, बुरी तरह हार रही है। तो और राजस्थान में भी जहां से लोकसभा में पूरे सीट्स मिलते थे वहां अभी तक कांग्रेस की पकड़ है, अभी तक इनफाइटिंग के बावजूद। और जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश में हाँ भाजपा जीत गई है और लेकिन बहुत करीब की लड़ाई हुई है, तो भाजपा के लिए ये कहीं से रिजल्ट अच्छा नहीं है। असम के अलावा, असम में पार्टी मजबूत है, कांग्रेस को उसने पीछे कर दिया और इसमें कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उलझान है। जैसे आपने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वो बीजेपी से पीछे हो रही है ये पार्टी, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में ये मैंने नोट किया है सालों तक कि कांग्रेस या तो जीतना चाहती है लेकिन वो ऑपोजिशन स्पेस नहीं मेंटेन कर पा रही है। जैसे उड़ीसा में आप देखिए नवीन बाबू के बाद अब भाजपा ऑपोजिशन स्पेस मेंटेन कर रही है। तो अगर हम पार्टी नेशनल पार्टी की ग्रोथ का वो असेसमेंट करें तो भाजपा जाके हर जगह कोशिश करती और जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं सभा जी उनको भी वहीं पर उम्मीद दिखाई पड़ रही है जहां पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है, यानी कि वो कांग्रेस का स्पेस लेना चाहते हैं चाहे वो टीएमसी और आम आदमी पार्टी गोवा में हो, और यही हमें कई जगह पर देखने को मिल रहा है। शेखर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपनी जो एक जिस तरीके से कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी होती थी वहां पर उसको रिप्लेस करते हुए अपनी बढ़त को और आगे रखा है, लेसन्स क्या है? क्योंकि कई बार देखा गया है ऐसे चुनाव, 2018 की अगर बात करें लोकसभा से पहले तो भी इस तरह के कुछ नतीजे आए थे, इससे पहले फूलपुर की अगर 2019 चुनाव से पहले बात करें उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट वहां पे बीजेपी हारी थी, तो क्या ये वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए महंगाई और बाकी मुद्दों के देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं पूरा सहमत हूं जो सभा जी ने अभी कहा, एक प्रकार से ये तो बहुत बड़ी वार्निंग बेल है खास करके हिमाचल में और राजस्थान में। राजस्थान में बीजेपी एक विपक्ष पार्टी है और सवाल किया गया था कि अशोक गहलोत कैसे मैनेज करेंगे, उनकी एक एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है और पार्टी के अंदर जो भी इंटरनल टसल चल रहा है सचिन पायलट के समर्थकों के साथ, इसकी वजह से कांग्रेस की छवि पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत जी ने दिखा दिया कि वहां पे कांग्रेस को अभी बीजेपी मुकाबले करने के उतना सक्षम नहीं है। और खास करके हिमाचल की जो हार है मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी हार है क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र जो है वो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इलाका है और वहां पे हो सकता है कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह ने वहां जीती है, इसका कारण हो सकता है कि वोटर्स को एक इमोशनल अपील भी था। लेकिन फिर भी बाकी सीटों में जिस तरह बीजेपी की हार हुई है या हार होने वाली है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल एंटी इनकम इश्यू काफी हैं, लोकल गवर्नेंस इश्यूज भी हैं और साथ में हो सकता है कि
बीजेपी को दोबारा वहां के नेतृत्व को लेकर दोबारा मतलब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उत्तराखंड में हुआ था अभी, तो हो सकता है कि वहां पे नेतृत्व को लेकर सोचना पड़े, या गुजरात में जैसे अभी नेतृत्व पत्र ये किए, क्योंकि जो हालात है वहां पे है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दूसरा जी, बंगाल को लेकर यही कहना चाहता हूं कि बंगाल में बीजेपी की जो ड्राइविंग एनर्जी था, उसका कारण जो स्ट्रेटेजी रहा कि भाई तृणमूल से सारे लोगों को यहाँ ले आए, वो जैसे वो लोग वापस चले गए तृणमूल, उसके बाद जो बीजेपी की जो जो भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ दो जो था, मतलब बाकी जो स्ट्रेंथ था वो भी निकल के चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है उनकी स्ट्रेटेजी, बंगाल की स्ट्रेटेजी जो रही है एक प्रकार से एक शॉक डिफीट हुआ है बंगाल में, कहीं ना कहीं पे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल का जो कार्यकर्ता भी था वो, उसको लगता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें अबैंडन कर दिया। लेकिन सभा में आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि बिहार की भी अगर आप बात करें, बिहार में कांग्रेस ने जो जिद पे अड़ी हुई थी कि हमको दोनों सीट पर हमें लड़ने दो, हमारा कैंडिडेट, मतलब कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर भी नहीं है दोनों सीट्स पर, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कांग्रेस शायद खुद अपना आकलन ही नहीं कर पाती है, अपने जो सबसे पुराने जो उनके एलाय हैं उनसे लड़ के उन्होंने यहाँ पर अलग सीट लड़ी, शायद साथ में लड़ते तो और टक्कर दे पाते। देखिए, कांग्रेस में ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो रिकग्नाइज नहीं करती कि कुछ इलाके हैं जहां से उनका सफाया हो चुका है। उनको पूरा हक है कि वो कोशिश करें, लेकिन जिस तरह से आप बिहार का चुनाव देखिए तो कांग्रेस ने इतनी सारी सीट मांगी और मिली भी आरजेडी से, और कांग्रेस, और अगर कांग्रेस इतना बुरा ना करती तो तेजस्वी यादव का जो फ्रंट था वो शायद जीत जाता। एक तो कांग्रेस से सबसे बड़ा धक्का मिला है, लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब तीसरे फेज में, लेकिन अगर आप आंकड़े को गौर से देखिए तो कांग्रेस से सबसे बड़ा धक्का मिला है। तो बिहार एक ऐसा, जो बिहार मैंने बहुत कवर भी किया है, वहां ये दो पार्टी, ये जो पोस्ट मंडल ईरा पार्टी हम कहते हैं, ये अभी तक इनके बेसिस बरकरार है। कांग्रेस सिर्फ मैं नहीं मानती कि खुद अपने पैर पर खड़ी हो सकती है। अब यूपी में प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है, ऐसे ऐसे चुनाव के बाद बीजेपी का पूरा फोकस वो यूपी में अब और भी बढ़ेगा, कोशिश कर रही है, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी सब मानते हैं कि वो मेन फाइट समाजवादी से, लेकिन कर क्या पाएंगी प्रियंका गांधी? ये जो महिलाओं का उन्होंने 40% सीट का कहा है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं मानती हूँ कि यूपी बिहार में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत साल गुजर गए हैं, असेंबली में तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, और हमने हमेशा देखा है इस तरीके के जब झटके लगते हैं किसी की इलेक्शन से पहले, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वेकअप कॉल होता है। वहीं ऑपोजिशन, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कई बार ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि बस अब जनता उनके बिल्कुल साथ आने वाली है। उससे ऑपोजिशन पार्टीज को बचना होगा, और बीजेपी को इस हार से जो भी उसने सीखना है, जो भी उन्हें लेसन लेने हैं, शायद सबके लिए कुछ ना कुछ लेसन हैं ऑपोजिशन पार्टीज और बीजेपी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपनी बात कहने के लिए। राजनीति की क्योंकि बात कर रहे थे, तो एक थोड़ी सी राजनीति गर्मा गर्मी चल रही है महाराष्ट्र में भी, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में ही रहने दिया है। देखिए आखिर क्या ये पूरा मामला है और कैसे महज चंद महीनों के अंदर गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे जाने वाला व्यक्ति आज गिरफ्तार होकर ईडी की इंक्वायरी झेल रहा है। पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। ये एक बड़ी विडंबना ही है कि जिस शख्स के हाथ में पूरे महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, आज वही शख्स ईडी की गिरफ्त में है और आरोप लगा है 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का। अनिल देशमुख मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए, करीब 12 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। लेकिन यह मामला शुरू कहां से हुआ और केस ने क्या क्या टर्न लिया? 25 फरवरी 2021 एंटीलिया के बाहर विस्फोटक। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी एक कार मिली। इस केस की जांच एनआईए को दी गई और जांच में एक नाम सामने आया, सचिन वाजे। सचिन वाजे से लंबी पूछताछ हुई और इस पूछताछ के बाद अगला नाम आया, परमबीर सिंह।
नाम सामने आने के बाद परमवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया गया। इसके बाद परमवीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। इस चिट्ठी में परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आदेश दिया। परमवीर सिंह के आरोपों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसी के साथ अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। अनिल देशमुख पर आरोप इतने ही नहीं है, 100 करोड़ की वसूली के आदेश, पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए वसूली, गृह मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार किया, देशमुख ने उगाही का पैसा ट्रस्ट में लगा दिया। प्रवर्तन निदेशालय अनिल देशमुख के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा कर रहा है। अब सच क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस केस में जांच के दायरे में बड़े बड़े किरदार हैं। इस केस में कुल 3 किरदार हैं। पहला सचिन वाजे जो गिरफ्तार है, दूसरा परमवीर सिंह जो फरार है, और तीसरा अनिल देशमुख जो गिरफ्तार है। इस केस में कई सवाल खड़े होते हैं। पूर्व गृह मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है तो पुलिस भरोसा किस पर करे? जब पूर्व पुलिस कमिश्नर फरार हैं तो आखिर जनता किस पर एतबार करे? पब्लिक पुलिस और पॉलिटिक्स पर शक क्यों न करे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वक्त वक्त का फेर है। पहले अनिल देशमुख के कहने पर लोगों को जेल में डाला जाता था, आज अनिल देशमुख खुद ही जेल की, मतलब अभी तो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है, पर जेल कम से कम उसका खतरा तो उनके ऊपर मंडरा ही रहा है। चलिए छोटा सा एक विराम लेते हैं, मैं आपको फटाफट 10 बड़ी हेडलाइंस बताता हूँ, उसके बाद धनतेरस की बात भी करेंगे। और हम सिर्फ फील गुड फैक्टर वाले चैनल नहीं है, जो अच्छा है वो भी बताएंगे, और महंगाई कैसे जेब काट रही है वो फिर से एक बार याद दिलाएंगे। सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। अब वादा तो अच्छे दिनों का था, महंगाई को कम करने का था, लेकिन जब महंगाई वाले दिन पर सवाल पूछा गया तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने पुराने दिनों की याद दिलाने का काम किया, मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, उनसे पूछो वाले। सवाल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का था, लेकिन ना जाने मंत्री जी कौन सा अर्थशास्त्र पढ़कर आए थे कि ऐसा आंकड़ा कह दिया कि आप ढूंढते ही रह जाएंगे। लेकिन ना तो ये किसी अर्थशास्त्र की किताब में आपको इस तरह का आंकड़ा मिलेगा, इस तरह की कोई समझाइश मिलेगी, और ना ही इतिहास की किसी किताब में। एक के बाद एक रोज जिम्मेदार लोग, मंत्री पद पे बैठे हुए लोग कैसे महंगाई का और हमारा माहौल बनाते हैं, इसकी हम आपको रोज आप बीती सुनाते हैं। आज एक और मंत्री जी का नंबर है, उनकी भी सुन लीजिए। उस जमाने पे 1 रुपए में 10 किलो धान मिलता था, और आज 19 रुपया 18 पैसे में 1 किलो धान मिलता है, तो किसानों का तो हुआ ना कि 1 रुपए की जगह पे 19 रुपया मिल रहा है। किसानों की ऐसी चिंता तो आज तक किसी ने नहीं की होगी। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल जी ने जिस अंदाज में बयान दिया, लगा किसानों का सारा दुख ही दूर हो गया है। हालांकि उनकी पूरी बातें सुनते सुनते आपको हंसी आ जाएगी। बिसाहू लाल जी ने तर्क के नए तीर से आज की परेशानी को ढकने की जोरदार कोशिश की। अगर इस हिसाब से तो मुझे मुश्किल से 500 रुपया मिलता था, नहीं सुनिए ना, और आज विधायकों को 1-1 लाख रुपया मिल रहा है। बिसाहू लाल ना तो पहले मंत्री हैं और जो हाल है उसमें ना आखिरी होंगे। महंगाई को लेकर कुछ कुछ दिनों पर ज्ञान की ऐसी गंगा कहीं ना कहीं से बह ही जाती है। इस बार जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसकी सच्चाई भी जान लेते हैं। अभी धान का MSP 19.40 रुपया प्रति किलो है, मतलब 1 किलो धान 19.40 रुपया में मिलता है। 1981-82 में धान का MSP 1.15 रुपया प्रति किलो था, मतलब ये कि 1981-82 में 1 किलो धान 1.15 रुपया में मिलता था। मतलब बिसाहू लाल जी जो बता और समझा रहे हैं उसकी तुलना आज से 40 साल पहले से भी करने पर मिल नहीं रही। फिर इसी 40 साल में खाद पानी बिजली का जो रेट बढ़ा उसका असर भी खेती किसानी पर पड़ा है। इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो लगातार बढ़ोतरी हुई है कहीं न कहीं उसका असर भी दिखने लगा है। साल 1980-81 में पेट्रोल की कीमत 5.10 रुपया प्रति लीटर, डीजल की कीमत 2.28 रुपया प्रति लीटर थी। साल 2021 में वही पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत भी लगभग 99 रुपए है। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल की बातों को सुनकर आप फिर से हंसेंगे, क्योंकि महंगाई किसी भी बयानों से कम नहीं होता। महंगाई का वास्ता अर्थशास्त्र से होता है और अर्थशास्त्र समझना हर किसी के वश की बात नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ न भारत। अब मंत्री जी की तो क्लास हम लगाते रहेंगे, लेकिन आज धनतेरस है और आज से दिवाली के लिए जिस तरीके से मार्केट जो है, पूरे बाजार हैं, उसमें लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है कि इस बार अच्छी खरीदारी होगी। सोना चांदी खरीदने के लिए लोग बाहर ज़रूर निकलते हैं। तो पहले तो आपको थोड़ा सा ये दिखा देते हैं जो धनतेरस की खरीदारी के बारे में हमने जो रिपोर्ट तैयार करी है, फिर अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। और अच्छा, चलिए सीधे अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, थोड़ा मार्केट का आपको माहौल ज़रा दिखा देते हैं किस तरीके से आज जनता जो है बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही है, लोग सोना खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अमित जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। अमित, पहले आपके पास आता हूं, गुजरात में धनतेरस पे केम छो? बिल्कुल, गुजरात बिल्कुल मजा मच है। अरे गुजरात की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद का सबसे बड़ा शोरूम जो है, वो इस शोरूम के अंदर सुबह से ही लगातार बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं वो खरीदी करने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। एक हुजूम सा निकल पड़ा है नागरिकों का। अहमदाबाद के अलावा गुजरात की मैं बात करूं, पूरे गुजरात में इसी तरह के जो दृश्य हैं वो हर एक सोने की छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, सराफा बाजार हो, हर जगह पर इस तरह के जो भीड़ है कस्टमर की देखी जा रही है। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस निकल पा रहे हैं आज, आप जैसे जानते हैं धनतेरस के अवसर में सोना चांदी खरीदना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो सुबह से 11 बजे से मुहूर्त स्टार्ट हुआ है तब से ऐसा ही फुटफॉल देखा जा रहा है और अच्छा अच्छा सेल दिख रहा है इस बार दिवाली के सीजन में। लास्ट टाइम जैसे आपने बताया कोरोना वायरस था तो उसमें थोड़ा डर बैठा हुआ था कस्टमर में, अभी इस बार ऑलमोस्ट डबल सेल की आशा करते हैं हम। अच्छा ये बताइए, क्या आज तो धनतेरस है तो कल तो कोई ज्यादा लोग नहीं होंगे काली चौदह से, लेकिन दीपावली के दिन भी क्या इसी तरह का हुजूम देखने को मिला? जी जरूर, दीपावली का पूरा ये, मैं तो बताता हूँ, पूरा ये सीजन फेस्टिव सीजन अभी इस बार माना जा रहा है और रोज कल काली चौदह से, पर तब भी कल लोग आएंगे, बुकिंग करेंगे और परसों डिलीवरी ले जाएंगे, तो दीपावली का भी एक्सपेक्टेशन। अमित, तो अच्छा गुजरात में तो सब ऐसे जैसे अमित ने बताया सब मजे में है, मैं दिल्ली की क्या कहानी है, दिल्ली में लोग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। गौरव, क्या हालचाल है दिल्ली में, जनता उमड़ रही है सोना खरीदने के लिए? देखिए दिल्ली के बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली के हालचाल बहुत अच्छे हैं और अब की उम्मीद जताई गई है कि दिल्ली में इस बार त्योहारों में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जो है वो खरीद लिया जाएगा और देश भर का तकरीबन 7,500 करोड़ का आंकड़ा है। इस वक्त मैं करोल बाग के पीपी ज्वेलर्स में, और पहले आप भीड़ देख लीजिए, यहाँ पर लगातार जो है वो सोना चांदी खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो पहुँच रहे हैं और ये तस्वीर दिखाती है कि कोविड के टीकाकरण के बाद किस तरीके से लोगों ने हिम्मत जुटा कर अब बाहर निकलना शुरू कर दिया है। और तस्वीरें भी ये सामने दिखा रही हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ रही है, दिल्ली के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपी ज्वेलर्स के मालिक खुद यहाँ पर, पवन गुप्ता जी। पवन जी, कितना महत्वपूर्ण है कि लोग भीड़ उमड़ रही है, दर्शक ग्राहक आ रहे हैं और खास करके सोना चांदी जैसी महंगी चीज़ें भी ले रहे हैं, क्या सेंटीमेंट है इस बार का? सेंटीमेंट ये है ना, वैसे लोग 2 साल से सिर्फ रोटी खा रहे हैं और घर में रह रहे हैं, अब ये मौका मिला है, पहला बड़ा त्यौहार आया दिवाली पर, हर आदमी चाहता है कि मैं बीवी को खुश रखूँ और कुछ ना कुछ दिलवाऊँ, तो लोगों में एक्साइटमेंट है कि अच्छी चीज़ दिलवाई जाए, हॉलमार्क ज्वेलरी दिलवाई जाए, तो इसलिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। कोविड को लेकर जो डर था आपको लग रहा है खत्म हो चुका है? 100% खत्म हो चुका है, कोविड अब कुछ नहीं है, ना है ना आएगा। धनतेरस से सीजन की शुरुआत भी है, ये कितना लंबा दौर चलेगा खरीदारी का, क्या लगता है किस तरह का रहेगा? पिछले 4 महीनों के बाद अब नवंबर दिसंबर में बहुत शादियाँ हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि काम बहुत अच्छा चलना चाहिए। अच्छा अच्छा, और मैं आपको कुछ कोशिश करूंगा यहाँ पर आए ग्राहकों से भी बात कराऊं जो लोग सोना चांदी खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं, और आप देखें तो ये पूरी तरीके से ये भीड़ दिखाती है कि सिर्फ बाजारों में आम चीज़ों की खरीदारों के लिए नहीं, खास करके ज्वेलरी खरीदने के लिए भी लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं। हम लोगों से बात भी करते हैं यहाँ पर, कोशिश करते हैं। सर आपका क्या नाम है? सुभाष शर्मा। सुभाष जी, ये बताइए 2 साल कोविड में बीते, इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच कर निकले कि आज जाना है ज्वेलरी खरीदनी है, किस तरह का मूड है ग्राहकों का?
नहीं, हमारा तो मूड अच्छा है जी, ग्राहकों को तो पता नहीं, हमारा तो मूड अच्छा है, हम तो लेने आए हैं चीजें। हाँ, मतलब लोग जो है मिलने से परहेज नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, खूब खुल के आ रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। सोना अभी भी सबसे बेहतर निवेश माना जा रहा है? सबसे बेस्ट है जी, इससे बेटर कोई भी नहीं, और आगे भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो अंकित देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली की बात है, 1000 करोड़ रुपए का कारोबार दिल्ली में होना है, और चारों तरफ सोने चांदी की दुकानों में भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। धनतेरस के दिन दोनों जगह से बढ़िया भीड़ दिखाई पड़ रही है। ये तो आपने अहमदाबाद का और दिल्ली का नजारा देखा, जयपुर का भी आपको नजारा दिखाता हूँ। भंवर पुष्पेंद्र ने ये रिपोर्ट भेजी है। सराफा बाजार की बात करें तो राजधानी जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहाँ हीरे पन्ने जवाहरात और ज्वेलरी के काम को लेकर काफ़ी फेमस जयपुर कहा जाता है, गुलाबी नगरी को कहा जाता है। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं जिस तरह से ज्वेलर्स की दुकान में किस तरह की भीड़, वो आप देख सकते हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जिस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना काल के बाद अब थोड़ा सा बाज़ार उठा है। लोगों में काफ़ी उत्साह रुझान, जो हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा कैसा, लेकिन आज बिल्कुल पॉजिटिविटी है लोगों की, और जब महीने का शुरुआत भी है तो साथ लोगों को सैलरी मिली है, बोनस जो भी है, उसके अलावा लोगों ने एक दिन होता है पर्टिकुलर, तो धनतेरस का एक मन में भी होती है कुछ भी लेके जाएं, तो अच्छी गिरायगी है। कोरोना खत्म हुआ है, अब लोग बाहर आ रहे हैं, क्या खरीदने आए आज? उसने हम बेटी ने ये पियर्सिंग करवाने के लिए आए हुए हम लोग। अच्छा, तो अच्छा है मार्केट, अच्छा है मार्केट, ठीक है, बहुत अच्छा है मार्केट। अब डर खत्म हुआ थोड़ा, कोरोना बहुत ज़्यादा खत्म हो गया इस बार, मार्केट बहुत अच्छा है इस बार, हमने सारी शॉपिंग की है। अच्छा। पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, पर इस साल सारी शॉप पूरे की हमने। जनता थोड़े अपने शौक पूरे कर रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, फटाफट आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बड़ी वैक्सीनेशन समीक्षा बैठक करने वाले हैं। ये कल दोपहर को 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक होगी। कल वैक्सीनेशन को लेकर जिलों की, जिला वाइज एक समीक्षा बैठक होने वाली है, देखने के लिए कि कौन से जिलों में अभी भी ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है, कौन से जिले अच्छा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत ने एक जो 100 मिलियन वैक्सीन्स का जो पूरा था, 1 बिलियन वैक्सीन्स का वो आंकड़ा टच किया था। अभी हमारे देश में 78% लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है, और करीब 32% लोग ऐसे हैं जिनको डबल डोज लग चुकी है। तो अभी भी जंग जो है वो बड़े स्तर पर जारी है। कल एक बड़ी बैठक होने वाली है इसकी समीक्षा को लेकर। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो से पहुंचेंगे और सीधे एक बड़ी बैठक करेंगे पूरी समीक्षा, क्योंकि अभी भी जो आंकड़े हैं उनमें अभी भी और तेजी की आवश्यकता है। जब तक लोगों को डबल वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक देश में असुरक्षा का माहौल रहेगा। देखिए, बहुत बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री सीधे ग्लासगो से लौटेंगे, बैठक करेंगे, उसमें करीब 40 से ज्यादा जिले जो है उनके डीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जिन राज्यों में 50% से कम जो पहला डोज लगा है और 20-25% से कम सेकेंड डोज लगा है, उसमें कैसे तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री का फोकस यह है कि वैक्सीनेशन जो कि 100 करोड़ भले ही हम हो गए हैं, लेकिन करीब 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जिसमें 50% से कम लोगों को पहला डोज ही लगा है, तो उसमें कैसे तेजी लाई जाए, कहाँ दिक्कतें हो रही है कि जिसको दूर करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बात की है कि सीधे डीएम से वो करेंगे, क्योंकि जो एक जिम्मेदारी होती है जिले में वो प्रमुखता से डीएम की होती है। ठीक है, डीएम से वो सीधे बात करके ताकि जो भी दिक्कतें हो, जो भी परेशानी, उसको दूर किया जाए और वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए हमसे। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर से, आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा एक्शन। टेरर लिंक के चलते डीएसपी और एक प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया है। डीएसपी फिरोज अहमद लोन को बर्खास्त किया गया है। इनकी जो जिस तरीके के इनके ऊपर आरोप थे कि ये आतंकवादियों की मूवमेंट को लॉकडाउन के दौरान भी ये कुछ फैसिलिटेट करा रहे थे, ये अब इस टीचर्स की हत्या को लेकर भी इनके ऊपर कुछ आरोप थे। जावेद जो प्रिंसिपल हैं, इनको पहले लेक्चरर बनाया गया था, अब ये प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहारा में। तो ये दो व्यक्तियों के ऊपर बड़ा एक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए लोकतंत्र में आज, धनतेरस की आप सभी को टाइम्स नॉन अब भारत की पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।